ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा प्राचीन मिस्र के सबसे बड़े अवशेष है और यह पृथ्वी पर सबसे प्रतिष्ठित मैनमेड वंडर में से एक है। यह लगभग 4500 साल पहले बनाया गया था, जो दिव्य फिरौन को बाद के जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए अंत काल तक बने थे। आज यह मैथमेटिकल और जीनियस कंस्ट्रक्शन की एक आश्चर्यजनक संपत्ति दिखती है। जैसा कि हम इन फैसिनेटिंग पिरामिड के पीछे के मिस्ट्री और मैजिक को समझने के लिए काम करते हैं, तो आज हम इसी पिरामिड ऑफ गीजा के 8 सबसे बड़े मिथ के बारे में बात करेंगे। पहला, पिरामिड वेयर बिल्ड बाई स्लेव्स। यह पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में सबसे आम मिथों में से एक है। दरअसल यह रूमर ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडेक्स द्वारा शुरू की गई थी। उन्होंने 450 BC में ग्रेट पिरामिड के साइट पर विजिट किया और रिपोर्ट करना शुरू किया कि दास काजित पुजारियों की कहानी सुनने के बाद पिरामिड का निर्माण कर रहे थे। हालांकि सच्चाई यह है कि पिरामिड को बेल्ट फील्ड हाई स्किल लेबर द्वारा बनाया गया था। नंबर 2, देयर इज ओनली वन ग्रेट पिरामिड। क्या पूरे दुनिया में केवल एक ही पिरामिड है? ऑल्दो पिरामिड ऑफ गीजा यूजुअली सभी को ग्रेट पिरामिड के रूप में रेफर किया जाता है, केवल एक ग्रेट पिरामिड है जिसे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा या चेपोस या कुफू के पिरामिड के रूप में जाना जाता है, और यह गीजा नेक्रोपोलिस के 3 पिरामिड का सबसे बड़ा पिरामिड है। नंबर 3, द पिरामिड आर इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि पिरामिड रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है, लेकिन एक्चुअली में पिरामिड रेगिस्तान के एज पर है, जो कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड के बिल्कुल नजदीक है। नंबर 4, द पिरामिड बेयर ओनली रॉयल टॉम्ब्स। दोस्तों, हम जानते हैं कि पिरामिड को 3 फिरौन के लिए शाही टॉम्ब्स के रूप में यूज किया गया था, क्योंकि वे बाद के जीवन में देवता बनने के लिए तैयार थे। लेकिन पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में एक और मजेदार फैक्ट यह है कि यह एक जायंट सुंडियल है। यह रिमार्केबल संरचना को ऐसी सरलता के साथ बनाई गई थी जो एक्चुअली में टाइम बता सकती है। पत्थर में बने निशानों पर पड़ने वाली छाया घंटा बताती है। इजिप्ट ने आउटस्टैंडिंग मैथमेटिकल एक्यूरेसी के साथ पिरामिड बनाने के लिए स्टार का भी इस्तेमाल किया था। यहाँ तक कि बड़े और छोटे डिपर्स का उपयोग पिरामिड को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए किया गया था, जिसमें केवल 0.05 डिग्री तक की मार्जिन थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल का एक एम है कि इस चैनल पर जल्दी 20K पूरा हो जाए, तो आप हमारी इस एम को अचीव करने में हमारी मदद कीजिए। नंबर 5, जब हम पिरामिड ऑफ गीजा को पहली बार देखते हैं तो पिरामिड ऑफ गीजा के हमें 4 साइड्स दिखते हैं, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली में इसके 8 साइड हैं। यह केवल इकलौता 8 तरफा इजिप्टियन पिरामिड है और यह आकर्षक नजारा केवल हवा से सुबह या सूर्यास्त के समय स्प्रिंग और ऑटम सीजन में देखा जा सकता है। यह तब होता है जब सूर्य ग्रेट पिरामिड पर छाया डालता है। नंबर 6, वी नो व्हाट्स इनसाइड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। जब हम पिरामिड ऑफ गीजा में इंटर करते हैं तब हम केवल किंग चेंबर, क्वीन चेंबर और ग्रैंड गैलरी को देख पाते हैं, लेकिन तब भी यहाँ बहुत सारे ग्रेट पिरामिड हैं जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं। हालांकि स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट में पिरामिड के बीच में एक पहले से हिडन चेंबर की खोज की गई है, लेकिन इसे अभी भी एक्सेस नहीं किया गया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि हम पिरामिड ऑफ गीजा की कभी भी सभी खजाने की खोज नहीं कर सकते हैं। नंबर 7, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इज द ग्रेटेस्ट पिरामिड इन द वर्ल्ड। हालांकि ग्रेट पिरामिड मिस्र के सभी एशियंट पिरामिड में सबसे बड़ा है और दुनिया का सबसे लंबा पिरामिड भी है, लेकिन यह पृथ्वी का सबसे बड़ा पिरामिड नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़ा पिरामिड होने का टाइटल मेक्सिको के महान चोलुला पिरामिड को जाता है, क्योंकि यह वॉल्यूम के मामले में सबसे बड़ा पिरामिड है। चोलुला के ग्रेट पिरामिड का आधार 160,000 स्क्वायर मीटर है। यह आकार ग्रेट पिरामिड के एरिया का 3 टाइम्स बड़ा है। 450 मीटर चौड़ा और 66 मीटर लंबा चोलुला पिरामिड 9 ओलंपिक साइड स्विमिंग पूल के बराबर है। नंबर 8, द ग्रेट पिरामिड वॉज द फर्स्ट पिरामिड इन इजिप्ट। हम सभी ये मानते हैं कि ग्रेट पिरामिड कई कारणों से प्रभावशाली है, लेकिन यह एक्चुअली में एंशियंट इजिप्ट में निर्मित पहला पिरामिड नहीं है। इजिप्ट में पहला रॉयल पिरामिड परिसर लगभग 4700 साल पहले निर्मित सकारा में डोजर का स्टेप पिरामिड कॉम्प्लेक्स था। कई सेंचुरी के बाद फिरैन सेन फेरू के बेंट पिरामिड के साथ पिरामिड बिल्डिंग क्रेज को किक आउट किया, जिसने स्टेप साइड पिरामिड से स्मूथ साइड पिरामिड में संक्रमण का संकेत दिया। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।